हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम नवाज, आतंकवाद सबका दुश्मन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि आतंकवाद से मिलकर लड़ने की जरूरत है। आज शाम 4:30 बजे पाक पीएम और सुषमा स्वराज की मुलाकात भी होनी है। आईएस के ठिकानों पर रूस का हमला, कैस्पियन सागर से दागी मिसाइलें। रूस ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले फिर तेज कर दिए। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इसकी जानकारी दी है। रूस ने पहली बार 2400 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर में तैनात अपनी सबमरीन से मिसाइलें दागी हैं। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर हमला, 10 तालिबान आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट कंपाउंड के भीतर तालिबानी टेररिस्ट और अफगान नाटो मिलिट्री काउंटर में 10 आतंकी मारे गए हैं। कंधार में 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है। पहले आतंकियों ने अफगान नाटो मिलिट्री बेस कैंप को निशाना बनाकर हमला किया था। जांच में मिले संकेत, भारत आई थी यूएस फायरिंग की महिला हमलावर। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला हमलावर तशफीन मलिक जून 2008 में अपने पिता से मिलने पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंची थी। इसके बाद जून 2013 में वो फिर सऊदी पहुंची और इसी साल भारत आई थी। छत्तीसगढ़ में आईजी ने किया दावा, मुठभेड़ में 15 से 20 नक्सली ढेर। सुकमा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ में 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराया है। ये दावा बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने किया है। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 और डीआरजी के 3 जवान भी जख्मी हो गए। रहाणे बने भारत के टॉप टेस्ट बल्लेबाज। दिल्ली टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाज अंजिक्य रहाणे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये उनके करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। रहाणे इस सीरीज से पहले 26वें स्थान पर थे। ईडी के नोटिस पर शाहरुख खान बोले, सरकार ने नहीं बनाया निशाना। शाहरुख की आईपीएल क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयरों के कथित तौर पर कम मूल्यांकन के बारे में ईडी ने नोटिस दिया है। उस पर शाहरुख का कहना है कि नोटिस जारी करना उन्हें निशाना बनाना नहीं है। अब नजर डालते हैं आज के शेयर मार्केट पर। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।